मॉक ड्रिल के लिए आपको ब्रीफिंग करेंगे। दो चीजें अभी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला एक इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में हम इसके लिए आपको बता रहे हैं कि जैसे हमारा होता है ना कि किसी चीज से हम सीखते हैं कि वो क्यों हुआ और हमारे साइड पे कभी ना हो, है कि नहीं। तो उसके लिए हम पीछे जो घटना हुआ है जिसके साथ हुआ है उस हम चीजें थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। झारसुगुड़ा एक जगह है, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, उड़ीसा स्टेट मालूम है, उड़ीसा में है ना। उसमें क्या हुआ था, वो बंदे का केयरलेस मेनली क्या है, वो बंदा सेफ्टी के प्रति केयरलेस था, नंबर फर्स्ट। दूसरा के प्रॉपर उसको गाइड भी नहीं किया गया था साइड के बारे में कि यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे होता ना भट्टी, समझते हो आप लोग, वहां पे भट्टी का काम चल रहा था। भट्टी मतलब जो लोहा वहा गलाते है ना, वैसा वो प्लांट है, इतना जो हमारा हमारे तरह नहीं है, वो थोड़ा हाई रिस्क है, फिर भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हजार बहुत है कि नहीं। वहां पे सारा इलेक्ट्रिकल भी था और आग भी था, इसलिए मैं आपको आग बुझाने का, आग कट करने का, आग से बचने का सारे तरीके बताएंगे, लेकिन वो इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। वो क्या हुआ ना, वो भट्टी होता है मतलब वो गोल, ठीक है। आग उसमें मतलब टेम्परेचर क्या 1500 कितना था मालूम नहीं, मतलब लगभग ना 1500 डिग्री सेल्सियस, आदमी का पता भी नहीं चलेगा, समझ गए। पानी जो होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे खोल उठता है पूरा, और वो खलता हुआ पानी गिर जाए तो हमारा हाल क्या होता, दिखते है ना। वो 1500 डिग्री सेल्सियस, 15 गुना आदमी क्या होगा उसमें, लोहा जो है ना वो पिघल जाता है 1500 पे। लोहा जो है ना ये 1500 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखिएगा ना, वो पिघल जाएगा, पूरा पानी बन जाएगा। अब उसमें अगर किसी का शरीर चला जाएगा तो क्या होगा, समझ सकते है ना। आदमी का तो हाँ, मैं फोटो भी दिखाई दूंगा, ठीक है ना। आदमी का तो ये हड्डी वड्डी भी कुछ नहीं पता चलेगा, उसी में लोहा में बन जाएगा, है कि नहीं, समझ गए। वो कल का घटना है, वो किसके लिए हुआ, पहला कि उसको प्रॉपर उस काम के लिए गाइड नहीं किया गया कि उसको उस काम को करने के लिए कितना दूरी बनाए रखना है, ठीक है, किस तरीका से प्रॉपर करना है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सारा चीजें उसको नहीं बताई गई, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड कि वो भी ह्यूमन बींग है, उसको भी पता है कि हमें इतना हाई रिस्क काम कर रहे तो हमें किस तरीका से करना है, किसी से पूछना है कि नहीं। इसके लिए वो अपने जान गवा दिया इमीडिएट, उसका बॉडी तक किसी को नहीं पता चला, पता चला है सिर्फ इतना जो है ना, वो इतना जो है मतलब मशीन रहे ना उसको ऑटोमेटिक उसी समय बंद किया लोग, सिर्फ इतना जो उसका पैर है वो खींच के निकाला है, बाकी ये पिघल गया उसी में, समझ गए क्या। वो इंसिडेंट हुआ तो इन सब चीजों से हमें क्या करना है और समझ लेना है कि देखिए खतरा इंसिडेंट एक्सीडेंट कभी भी बता के नहीं आता। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल हजार ज्यादा है, फायर लगने का चांस ज्यादा है, मिस बिहेवियर का चांस ज्यादा है कि नहीं। तो हमें दो तीन चीजों पे ज्यादा कंट्रोल, और कभी हाइट पे भी काम कर रहे हैं वो भी एक हजार है बहुत बड़ा, तो वो सारा चीजें हम डिस्कस करते आ रहे हैं। और हम आज का जो हमारा मिशन है, हम अब एक मॉक ड्रिल करने वाले हैं, जो हमने आपको बता दिया ऑलरेडी कि फायर क्या होता है, बताया ना फायर कैसे लगता है, बताया था ट्रायंगल वाला ना, उसके बाद ये भी बताया था कि आग को खत्म करने के लिए क्या तीन चीजें जरूरी होती है और आग को लगने के लिए क्या जरूरी होता है, आग को कैसे खत्म कर देंगे और आग कैसे लगता है, वो सारा प्रोसीजर हम आपको बता दिए कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन से आग में लगेगा वो भी बता दिए, टाइप ऑफ फायर भी बता दिए, सारा चीज बताया ना, है कि नहीं। तो आज हम जो मॉक ड्रिल करेंगे आप लोगों से भी करवा के देखेंगे कि जैसे ना हमने बताया कि किस तरीका से फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं, ये भी बताया है, बताया कि नहीं, क्या जैसे मान लो कि हमको लकड़ी में आग लग गया तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, बताए बता दो, तो ध्यान देना है ना यार, ये तो आप एज ए सुपरवाइजर हो सिक्योरिटी का, तो आपको पता रहना है ना कि अगर हमें मान लो कि इलेक्ट्रिकल कोई प्लांट लग इलेक्ट्रिकल कोई आग हो गई तो उसमें हमको कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर चलाना है, आना है ना, है कि नहीं। अभी आपको मान लो कि पैनल में आग लग गया और आप उधर ही खड़ा हो, या तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप फोम वाला यूज करना शुरू कर दिए, पता चलेगा आप भी उसमें जख्मी हो गए, समझ गए क्या। तो ये सारा चीजें बोल रहे हो मालूम नहीं है तो ऐसा नहीं चलेगा ना ये बातें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि हमें आज फायर एक्सटिंग्विशर चलाने सीखना है। एक मेथड होता है पास मेथड, वो हम बताएंगे, मॉक ड्रिल आपको हम कराएंगे, ठीक है, वो सारा चीजें।
आग लग गया इमरजेंसी में तो कैसे करना है आपको, ये सारा चीजें क्या करना है करेंगे आपसे कराएंगे, तो आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है, समझ गए, बोलिए ना। हाँ तो आप कुछ बोलना तो बता दो अभी आप, फिर उसके बाद हम वो प्रोसेस शुरू करेंगे, ठीक है क्या? ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी, हेल्थ ठीक है ना आप सभी का, खराब ना यहाँ पे कोई दिक्कत, चलो ठीक है। आज हम एक मॉकड्रिल करेंगे, ठीक है। मॉकड्रिल क्या होता है हमारा कि इमरजेंसी सिचुएशन जब आएगी उस समय हम कैसे उस चीज को हैंडल करेंगे, ठीक है। मान लो कहीं आग लग गया तो उस चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे आने वाले समय में, या फिर अभी लग गई या फिर कोई दबाव लग गई तो उस चीज में हम कैसे क्या करेंगे, वो चीज हम आपको अभी करके बताएंगे, आपको भी करना है, ठीक है। इसके लिए आप सभी को यहाँ पे बुलाया गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में पता ना फायर का, हमने ट्रेनिंग किया था, ठीक है, कि हमें मतलब कौन सी चीज पर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। जैसे हमारा लाइफ इलेक्ट्रिकल है तो उसमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा, हमारा टीम और इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल में क्या एबीसी बताया था क्या, क्या बात कर रहे हैं? लाइव इलेक्ट्रिकल पे हम CO2 को यूज करेंगे, ठीक है। CO2 पड़ी है ना अपने अंदर पूरी बड़ी बड़ी, देखती नहीं होगी आप? नहीं, ये देखो अभी ये गलत इनका इंफॉर्मेशन क्या है, जब CO2 तभी यूज कर, जब इलेक्ट्रिकल लाइव है, पैनल लाइव है, तो आप हमेशा CO2 यूज करेंगे, जो बड़ा वाला है ना वो, जब मैं रखा हुआ अंदर, जब वो बंद हो गया ना तब जाके आप ABC यूज कर सकते हैं। और DC भी पड़ी हुई है अपने, ठीक है, पाउडर जो आप बोल रहे थे, ठीक है। तो इन सब चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पे कौन सा यूज करना है, गलत आग पे गलत फायर एक्सटिंग्विशर यूज भी नहीं करना है बचने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, पहले सबसे पहले क्या होगा भाई, हमने उस दिन बताया था ना आप लोग साथ में ट्रेनिंग किया था, ठीक है, पहले हम इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप लोग भी फील्ड में हो कहीं ऐसा कुछ लगता है, ठीक है, तो अपने सुपीरियर या फिर जो भी टीम मेंबर है उसको इन्फॉर्म करो, या तो यहाँ वहां से निकलने के लिए सबसे पहले उस जगह से आप लोग इवैक्यूएट करो, ठीक है। उसके बाद दूसरी आप खोजो कि हमारा ICR का, हमारा हर ICR पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा रहता है, ठीक है, हमारे MCR पे भी फायर एक्सटिंग्विशर रखा रहता है, ठीक है। तो हम उस जगह को देखेंगे कि हमारे कौन सा जगह नजदीक पड़ रहा है, ठीक है, हम उसकी तरफ जाएंगे पूरी टीम मेंबर को इन्फॉर्म करके, फिर जब अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करोगे फिर यहाँ से बंदे जाएंगे उस चीज को करने के लिए, फिर फायर फाइटर का टीम जाएगा, ठीक है। तो वो चीज क्या ना कि वो चीज का हम आज करेंगे कि कैसे क्या करना है, हैंडल करना है, हमें उस चीज को कैसे मतलब उस समय पे हैंडल करना है, ठीक है। हमने बताया था ना आप लोगों को उस टाइम के ट्रेनिंग में, तो आप सभी लोग रेडी हो ना, कोई दिक्कत भी नहीं। देखो अभी स्टेप समझ लीजिए जो इन्होंने बताया, क्या समझ में आया क्या? पहला स्टेप क्या करना है, जैसे ही हमको किसी तरह का इमरजेंसी दिखती है, आग दिखती है, कोई भी इमरजेंसी, सबसे पहले आप अगर आपको मालूम है बेसिक चीजें तो करना है, अगर नहीं मालूम है तो नहीं करना है। इमीडिएट इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर फर्स्ट स्टेप क्या है कि इमीडिएट आपको बिना किसी भी तरह का देरी किए हुए, आप अगर इलेक्ट्रिकल पैनल में आपको आग लग गई या किसी कोई आदमी पकड़ा गया तो कंट्रोल में आपको क्या करना है, फोन करना, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसी समय इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर जहां टंगा हुआ है या तो आपके मोबाइल में भी सेव रहेगा, सेव भी कर लीजिएगा, सूरज का और बाकी लोग है, ठीक है ना। इमीडिएट बिना थोड़ा सा बिताने की देरी किए फोन करिए इमीडिएट, अगर आग लगी है तो यहाँ से क्या होगा, और आस पास में देख लीजिए, और आपको लोकेशन मालूम रहना है कि अब ऐसा नहीं कि 4 ICR है तो पता ही नहीं आपको है कि नहीं कि कहाँ लगा, पूछा कहाँ लगा है तो अब कोई आसपास एक लैंडमार्क बताना शुरू कर दिया, नहीं मतलब एक्चुअल लोकेशन गट नंबर ये तो ये ऐसे बता देना है कि यहाँ पे लगा है, इमीडिएट हमारी गाड़ी जो है जाएगी है कि नहीं। और आसपास में अगर मान लो आपको मालूम है बुझाना, ठीक है, तो क्या करो आसपास में जो अगर फायर एक्सटिंग्विशर है उसी समय क्या करे, उसको अपने से बुझाने की कोशिश करे, ठीक है, उसका मतलब जितना स्पीड हो सके करना, ये भी ध्यान रहे, क्लियर है ना, उसी काम प्रैक्टिस करेंगे। मॉक ड्रिल मतलब होता है क्या कि बिना बताए स्टार्ट कर देंगे हम, आग कहीं लगा के आपको या किसी को इलेक्ट्रिशियन करके बता देंगे बिना बताए आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन अभी आपको उसके बारे में बढ़िया से नहीं मालूम है, इसके लिए हम अभी आपको समझा रहे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे ना कि जैसे आप उधर काम कर रहे हो इधर ही हम ऐसे छोटा सा आग लगा देंगे, आप क्या कर रहे हो आपको खुद से करना रहेगा, समझ गए, क्लियर है ना, क्लियर है ना। अभी क्या है सिनेरियो एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ कि हमें क्या करना है, ठीक है, हमारी टीम मेंबर क्या करेगी, आप लोग क्या करना है, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम यहाँ पे एक फायर करेंगे, ठीक है, वहां से हमारा मतलब ये इंजीनियर, ठीक है, ये दत्ता जी उधर से आएंगे, ठीक है, इन्होंने फायर देखा, आप लोग वहां पे काम कर रहे हो, सबसे पहले स्टेप क्या करना है, ये शोर करेंगे,
ठीक है, कि आग लगी है, आग लगी है, तो आपको क्या करना है, आप क्या करोगे उस समय पे? मतलब प्लांट के बाहर नहीं भागना है। बात इतनी सी है कि हमारे एक असेंबली पॉइंट होते हैं इंडक्शन टाइम पे, हम बताते हैं ना आपको कि कुछ भी साइड पे कुछ भी खतरा हो हमें असेंबली पॉइंट पे आना है, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि मान लो यहाँ पे हमारा असेंबली पॉइंट है, तो आप सभी लोग कहते हो कि वहां पे चले जाओगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप वहां पे असेंबली पॉइंट पे चले जाओगे, ठीक है। फिर आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा कि आप कॉल करोगे अपने सुपीरियर को, फायर फाइटिंग टीम को, ठीक है, जो कि मैं देख रहा हूँ, तो मैं एमसीएम में रहूंगा, आप मुझे कॉल करोगे, ठीक है, हम वहां से निकलेंगे, ठीक है, वहां से पूरी टीम को इन्फॉर्म होगा, जैसे सर होगा सर उधर है तो अपने उधर से आएंगे, ठीक है। फिर हमारा तीसरा स्टेप क्या रहेगा, फायर ब्रैकेट उठाना, ठीक है, वो भी क्या कि आग लगी कहाँ है, लाइफ इलेक्ट्रिकल में लगी है, ऑयल में लगी है, या फिर पेपर वुड में लगी है, तो उस हिसाब से हम अपने फायर एक्सटिंग्विशर उठाएंगे, ठीक है। सबका तौर एक एक्सटिंग्विशर है एबीसी, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो ऊपर बहुत बड़े बड़े बोर्ड में लिखा रहता है एबीसी, ठीक है, आप वो यूज कर सकते हो कहीं भी और किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। तो वो फायर एक्सटिंग्विशर उठा के हम लाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक जन सेंड बकेट लेके आएंगे जो कि हमारे कैनोपियन में टांगा हुआ है, ठीक है, एक दो जन जाके दो सेंड बकेट लाएंगे, ठीक है, वहां से हम फायर एक्सटिंग्विशर और सेंड बकेट लेके आएंगे और आग बुझाएंगे, ठीक है। उसके बीच में हमें क्या करना है कि हमारा टीम मेंबर क्या है, सारे टीम मेंबर को बता के जितने भी एरिया में आदमी उन सभी को सूचित करें कि यहाँ पे आग लगी है, ताकि सारे लोग अलर्ट रहे, ठीक है। बाकी आप लोग एक असेंबली पॉइंट पर खड़े रहोगे, जहाँ पे आपको हम प्लेस देंगे कि आप यहाँ पे खड़े रहो, आप लोग वहां पे खड़े रहोगे, ठीक है। अब बाकी आप बस देखोगे कि हो क्या रहा है, ठीक है, आने वाले समय में ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे हम ना हो और आप ही को संभालना हो, ठीक है, तो वो चीज आप कैसे करोगे, ये चीज आप देखना, दिमाग में बैठाना, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि पढ़ा हुआ चीज और देखा हुआ चीज में अंतर होता है, पढ़ के हम भूल सकते हैं लेकिन आंखों देखा नहीं भूल सकते, ठीक है। अगर एक दो स्टॉप आपको गड़बड़ भी हो जाए लेकिन आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे आने वाले समय में, ठीक है। इसलिए आपको सारे खड़ा होकर वहां पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, सब लोग समझ गए ना हमें क्या करना है, ओके, तो रेडी करें, ओके, बी रेडी गाइज, ठीक है। अभी समझिए, अभी पहला हमारा क्या करना है, अभी सबको उधर काम पे भेज दो, अभी ये लोग यहाँ पे उधर आप लोग चाहिए, ठीक है, और इधर हम आग लगाएंगे, समझ गए, और दौड़ना नहीं है, समझ गए, और ये सीख लीजिए, ये ऐसा नहीं कि ये लोग क्या कर रहे, आप लोग समझिए, इस चीज को सीखिए, और इसके लिए मालूम है बहुत पैसा, अभी ना कॉलेजेस है नागपुर में, इसके लिए पैसा कितना लेता है, लाखों में पैसा लेता है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट देता है, समझ गए क्या, आप लोग लकली हो, वहां से सारे लोग पढ़ के आपको, देखो आप वे से निकलना, ये नहीं कि इधर से भागने लगना, वे भागना नहीं, आराम से यहाँ पे आ जाना, ठीक है, समझ गए क्या, ओके, हाँ, आप जाइए पेट्रोल लो, और भागना नहीं है, जितना कितने लोग है भाई, काउंट में टोटल कितने लोग है, 12 है ना, अभी बंद, 12 के 12 से इधर हेड काउंट करते समय भी